से पहले बात करेंगे जोधपुर में हुए उपद्रव की। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी और मथुरा दास अस्पताल घायलों से कुशलक्षेम पूछी। अस्पताल में पहुंचे घायलों से उनके हालचाल जाने। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया से बातचीत में पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सतीश पूनिया से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा ने। जोधपुर में हुए उपद्रव के बाद में खुद बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया यहाँ पर आ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर, वर्तमान में जो हालात है जोधपुर के, पहले करौली में हुआ, अब जोधपुर में, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सरकार की कानून व्यवस्था की कमजोरी और मुख्यमंत्री की तुष्टीकरण की नीति। पिछले 40 महीनों में राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है और मुख्यमंत्री जिस तरीके की सियासत करते हैं उससे तुष्टीकरण को भी बढ़ावा मिलता है। ऐसे अराजक तत्व जो प्रदेश में शांति को भी भंग करते हैं, मुझे लगता है कि राजस्थान में जिस तरीके की समस्याएं हैं, किसानों की कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अराजकता, इनसे सबसे ध्यान भंग करने के लिए और मुख्यमंत्री जी की ये सियासत है कि इस तरीके के तत्वों को प्रोत्साहित करते हैं, तो इस तरीके घटनाओं को कारित करते हैं, तो समाज के लिए, प्रदेश के लिए चिंताजनक है। मैंने मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया है कि आंखें खोलें और राजधर्म का पालन करें। सर, मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का एजेंडा ही यही है कि वो इस प्रकार की घटनाएं फैलाए जिससे कि जो बाकी जो घटनाएं उन पर ध्यान हट जाए। कांग्रेस का जब राज आता है तभी इस तरीके की घटनाएं ज़्यादा क्यों होती हैं, ये यक्ष प्रश्न है, क्योंकि उनको ऐसे तत्वों को संरक्षण मिलता है और ये संरक्षण सरकार देती है। कोटा में PFI को परमिशन देना और बीकानेर, भीलवाड़ा, नागौर में रामनवमी और हिंदू नववर्ष के जुलूस पर प्रतिबंध लगाना, तो जो दोहरा चरित्र है कांग्रेस पार्टी का, मुख्यमंत्री का, वो इसका बड़ा कारण है। मतलब राजस्थान प्रदेश गंगाजल तवीज के लिए मशहूर है, हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, आपस में क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से, जोधपुर निवासियों से? देखिए, जो इस देश में पैदा हुआ है उसको इस देश के प्रति समर्पित और निष्ठावान होना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान के नारे मुझे लगता है कोई स्वीकार नहीं करेगा, भारत माता के नारे को कोई सम्मान करेगा, तिरंगे का सम्मान करेगा तो सद्भाव रहेगा। इसलिए जब आप लोगों को इस तरीके से नारों में बांटोगे, पंथ मजहब और संप्रदाय में बांटोगे, भारत की पहचान, राजस्थान की पहचान, ये ठीक है, सद्भाव रहे, लेकिन किस कीमत पर? ये थे बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया, जिन्होंने अपील की है लोगों से कि सद्भाव में रहे, एक दूसरे के साथ जो त्यौहार मनाते हैं वो त्यौहार मनाते हैं और साथ साथ एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होने के साथ साथ एक दूसरे के धर्म को माने, शांतिपूर्वक रहें, जिससे कि जो अमन चैन राजस्थान का है वो कायम रह सके। मेरे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।